हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 जेनरिक कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है और जेनरिक कोर्स का जो टॉप चैप्टर बुक है वो है वेव एंड ऑप्टिक्स। तो वेव एंड ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में आपको 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 8 में से 4 चैप्टर आपका, ये 4 चैप्टर 1 से लेकर 4 तक वेव का है और आखिरी 4 ऑप्टिक्स का है। तो ये प्रोबेबली हो सकता है कि एचओडी सर और अभिषेक सर मिलके पढ़ाएं, या ठीक है, एचओडी सर और अभिषेक सर मिलके पढ़ाएं, या दोनों में से कोई एक पढ़ाएं, ठीक है। और ये पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। और अगर मुझे कहा जाता है कि वो लोग अगर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर ये खत्म करने के बाद मैं ही वो चैप्टर वो पार्ट भी कवर कर लूँगा। अगर वो पढ़ाते तो पढ़ा देंगे, पढ़ाएंगे तो ठीक, उन्होंने कहा है कि पढ़ाना चाह रहे हैं। तो अब इस 4 चैप्टर्स में, अब इसमें देखिए, बुक्स के रेफरेंस के लिए तो रेफरेंस बुक आपके पास ढेर सारा ऑप्टिक्स का बुक है, वेव इन ऑप्टिक्स का। आप जो आपके सिलेबस में मेंशन है उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, या जो बुक आपके पास है वो भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्टिक्स के लिए तो आपके पास अजय घटक की बुक अच्छी बुक है, जेंकिंस एंड वाइट की बुक है, फिर आपका माथुर की बुक है, ढेर सारी बुक्स है। कोई भी ऑप्टिक्स की बुक फॉलो कर लेंगे तो आपका चलेगा। देखो, मैंने जो ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स के लिए रेफरेंस यूज किया वो अजय घटक है, ऑप्टिक्स बाय अजय घटक। तो ऑप्टिक्स वाले पोर्शन के लिए अजय घटक से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ढेर सारे बुक्स है मार्केट में, कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप यही बुक, अजय घटक अच्छी बुक है, इसके अलावा भी ढेर सारी बुक है आपके पास, जो अवेलेबल हो आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बुक फॉलो कीजिएगा, कोई एक बुक आपके पास, शायद सिपकास, गुप्ता कुमार, कुछ भी एक बुक जरूर फॉलो कीजिएगा। तो इन टॉपिक्स में, अब ऑप्टिक्स में मैं स्टार्ट करूंगा पहला चैप्टर इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में क्या क्या सिलेबस है पहले वो देख लेते हैं। इंटरफेरेंस आप 12th लेवल पे पढ़ चुके हैं, तो जो आपने 12th में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ। हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, काफ़ी लेट से स्टार्ट हुआ है कोर्स आपका, और समय बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास। इसलिए जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन हैं और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उतना ही को कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे एग्जाम ओरिएंटेड। तो इंटरफेरेंस का 12th का अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ ज़रूरी होगा मैं बताता जाऊँगा जो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है। आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है सिलेबस में, डिवीजन ऑफ इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इंटरफेरेंस 2 तरीके से होता है, एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या क्या आता है अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद टॉपिक है थिन फिल्म। थिन फिल्म में पैरेलल थिन फिल्म है, वेज शेप थिन फिल्म है, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन है जिसको हरिंजर फ्रिंजेस कहते हैं, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस है जिसको कि हम फिजा ऑफ फ्रिंजेस कहते हैं, फिर न्यूटन्स रिंग है, न्यूटन्स रिंग के बारे में पढ़ना है, फिर उसका एप्लीकेशन में वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट पढ़ना है, 2 टॉपिक्स। ये कंप्लीट सिलेबस आपका इंटरफेरेंस का है। तो हम लोग इंटरफेरेंस स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस में जस्ट बेसिक स्टार्ट करूंगा थोड़ा, फिर नेक्स्ट चैप्टर से मूव करेंगे। इंटरफेरेंस का फर्स्ट टॉपिक था इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसको समझने के लिए पहले बेसिक इंटरफेरेंस के डेफिनेशन पे आते हैं। कल मैंने आपको क्लास, ऑनलाइन क्लास के दौरान ये समझाया भी था, तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इंटरफेरेंस का डेफिनेशन अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो का मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ 2 कोहेरेंट लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। 2 कोहेरेंट लाइट जो कि सुपरपोज करें और इस सुपरपोजिशन की वजह से उनका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाई हो जाए तो ये फिनोमेना इंटरफेरेंस कहलाता है। अब यहाँ पे जो हम टॉपिक मेरा काम का है वो सुपरपोजिशन, 2 लाइट 2 वेव का सुपरपोजिशन हो रहा है, और कैसा वेव है, कोहेरेंट वेव है। तो कोहेरेंट वेव का क्या मतलब होता है, कोहेरेंट वेव का मतलब होता है 2 वेव अगर का फेज सेम हो या दोनों के बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो तो वे वेव कहलाएंगे कोहेरेंट वेव। जनरली एक ही सोर्स से अगर आप प्रोड्यूस करेंगे 2 सोर्स तो आपको कोहेरेंट वेव मिलेगा।
तो अब हमारे पास जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है वो आपको आएगा इसी कोहरेंट वाले से, कि कोहरेंट वेव आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं। कोहरेंट वेव प्रोड्यूस करने का ही दो तरीका है, जिसमें से एक तरीका आपका डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है और एक तरीका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो हम लिखते हैं कि द मेथड बाय विच two coherent sources are produced from a single source। सिंगल सोर्स, अगर आप दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करेंगे, उसके दो मेथड हैं। एक मेथड कौन सा है आपका? पहला मेथड है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और दूसरा मेथड है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एक एक करके समझते हैं। पहला पे काम करते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या है? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जैसा कि नाम से क्लियर है, वेव फ्रंट को डिवाइड करना है। एक वेव फ्रंट को डिवाइड करके दो सोर्स, वेव फ्रंट होगा किसी एक सोर्स का, एक लाइट सोर्स लाइट है, उसे वेव फ्रंट निकल रहा है, उसके किसी एक वेव फ्रंट को लीजिए और उसे दो सोर्स तैयार कीजिए। तो ये तरीका हो जाएगा डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। दिखाता हूं, जैसे फिगर समझिए। मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है, चारों तरफ अपना वेव निकालेगा, चारों तरफ वेव फैलेगा ऐसे। अब हम चारों तरफ नहीं, एक साइड का ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है, मैं आधा ले रहा हूँ वेव ले रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सर वेव नहीं निकलेगा, वेव चारों तरफ निकलेगा सोर्स के चारों तरफ, पर हम जो काम है हमारा एक साइड ले रहे हैं सिर्फ, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक। अब मैंने क्या किया यहां पे, एक स्लिट लगा दिया, ठीक। स्लिट में क्या है, एक दो स्लिट है यहां पे, स्लिट नंबर वन स्लिट नंबर टू, दो होल्स हैं, एक हमने स्क्रीन लगा दिया उसमें दो होल्स हैं, बाकी ओपेक है। अब अगला जो वेव फ्रंट आएगा यहां से कटता हुआ निकलेगा, ये ऐसे जाएगा। देखिए ये पॉइंट आपको हाइजेंस प्रिंसिपल है। अब हर एक वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट आपका सोर्स होता है नेक्स्ट वेव फ्रंट का। देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको अगला वेव फ्रंट निकलना शुरू होगा, ये होता और इस पॉइंट से भी आपका वेव फ्रंट निकलना शुरू होगा, ठीक है, जो कि आप सुपरपोज करेगा और स्क्रीन यहां पे तो पैटर्न बनाएगा, अभी हम सुपर उस पर नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक सोर्स है, मान लीजिए सोर्स S है और इसमें दो सोर्स तैयार किया, ये सोर्स, ये आपका S1 हो गया, यहां लिखते हैं ये S1 है और ये S2। तो एक सोर्स से हमने दो सोर्स तैयार किया, दोनों आपका क्योंकि सिंगल सोर्स से बना है, दोनों के फेज जो होंगे वो सेम होंगे या कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होगा, तो हमारे पास ये जो आपका है कोहरेंट वेव्स हो गए। तो ये तरीका जो है कोहरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का कहलाया डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, क्योंकि वेव फ्रंट को डिवाइड करके आप दो डिफरेंट सोर्सेस बना रहे हो जिससे कि डिफरेंट वेव फ्रंट निकल रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको, वर्ड में लिखते हैं, कहते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इंटू टू सेपरेट वेव फ्रंट्स which when further moves
moves, which when further moves are superimposed, are superimposed, posed, and produces interference pattern, and produces interference pattern, interference pattern. And this is called division of wavefront, and this is called interference by division of wavefront, division of wavefront. Example क्या है? एग्जाम्पल में इसका आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. आपको याद होगा, आपने 12th में पढ़ा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. और दूसरा है फ्रेसनेल्स बायप्रिज. एस साइलेंट है, फ्रेसनेल्स बायप्रिज. ठीक है, तो ये आपका हो गया डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट के बारे में. अब हम सेकंड पे आते हैं, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. सेकंड आया हमारे पास क्या, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या होगा, वेव का एम्पलीट्यूड दो पार्ट में हो जाएगा और फिर हमारे पास एक सोर्स से दो सोर्स बनेगा. देखिए, जैसे एक थिन फिल्म है, आगे थिन फिल्म के बारे में बताएंगे. थिन लेयर है, थिन फिल्म, एक फिल्म. हाँ, एयर हो या कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एयर हो सकता है. ठीक है, अब लाइट जब यहाँ इंसिडेंट करेगा, ये इसका नॉर्मल है, तो जाहिर सा है कि ये इधर गया, थोड़ा इधर शिफ्ट करेगा इधर, और ये कर दीजिए इक्वल गया, और ये इस नॉर्मल से थोड़ा बाहर की हो जाएगा. तो ये हमारे पास एक लाइट वेव आया है, एम्पलीट्यूड दिया हमने, और इस यहाँ से एक रिफ्रैक्ट होके और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फर्स्ट वेव आपके पास आया, और ये रिफ्रैक्ट हुआ और फिर रिफ्लेक्ट हुआ सेकंड लेयर से और सेकंड वेव आया, और यहाँ पे आपका फ्रिंज ऑफ इंटरफेरेंस, इन दोनों को आपस में सुपरपोज करके इंटरफेरेंस पैटर्न होगा. तो ये जो तरीका है, यहाँ एम्पलीट्यूड दो पार्ट में बटा, ये कहेगा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. तो इसको हम लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है. दोनों लिखते हैं, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डिवाइडेड, ऑफ द वेव इज डिवाइडेड by the phenomena of partial refraction, by the phenomenon of partial reflection and refraction and resultant wave superimpose and produces interference pattern.
दिस, क्या लिखा था मैंने, दिस इज कॉल्ड, हाँ दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस बाय, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, और दूसरा है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये दो एग्जांपल इसका हो गया। देखिए ये एग्जांपल वाला शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से हो रहा है, कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट से हो रहा है। डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट में क्या था, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रेनेल्स बाय प्रिज्म, और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या होगा, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म एंड न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ये दो आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम कल थिन फिल्म पे करेंगे, कल हमारा थिन फिल्म पे स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, ओके।